वेरी गुड मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू ऑल ऑल आर फाइन ऑल आर गुड एट होम इंजॉइंग एट होम एंड डूइंग स्टडीज ऑल्सो दैट्स गुड सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास वट वी आर डूइंग नाउ अ डेज वी आर डूइंग द रिविजन आजकल हम रिविजन कर रहे हैं ना सो लेट्स कम टू द टॉपिक It is today's date, 21st December 2020. And the day is Monday. Let's start today's revision. Revision test 2, chapter number 4. Children, we are doing the revision of chapter 4. लेट्स ब्रिंग आउट योर कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर की नोटबुक लेकर आइए एंड नाउ वी विल राइट उसमें कुछ वर्क आप लोग लिखेंगे और उस टेस्ट को उस रिविजन को कंप्लीट करेंगे ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन वट इज रिटर्न हेयर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज रीअरेंज द लेटर्स क्वेश्चन नंबर वन इज रीअरेंज द लेटर्स नीचे जो लेटर्स लिखे हुए हैं इन्हें दोबारा से अरेंज करके एक वर्ड बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर ये सभी चीजें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, चैप्टर फोर से रिलेटेड हैं। सो लेट्स रीड दीज दीज आर आर दिस इज द द लेटर्स इन हिस्सर T U B T N O S. जस्ट मेक इट करेक्ट ओवर हेयर और सही तरीके से अरेन्ज करके इसे ब्लैंक प्लेस पर लिखना है क्वेश्चन नंबर बी दीज आर द लेटर्स वाई के ईओ ए आर बी डी जस्ट रीअरेंज राइट डाउन द करेक्ट वर्ड हेयर इज दैट क्लियर टू यू समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट द स्पेलिंग्स बच्चों आप यहां पर दो वर्ड्स सीख रहे हैं यू हैव टू फिल द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट दी स्पेलिंग्स इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आपने इस ब्लैंक प्लेस पर सही लेटर फिल करना है इज दट क्लियर टू यू यू कैन सी हियर

CPU किसके अंदर होता है आप लोगों को इसका आंसर बताना है एंड यू हैव टू राइट ऑन द स्पेस और इस ब्लैंक प्लेस पर आपने आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर राइट नेम्स ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस किसी भी दो इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए आर दीज क्वेश्चन क्लियर टू यू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गए हैं रीअरेंज द लेटर्स लेटर्स को अरेंज करके एक सही वर्ड बनाना है कंप्लीट द स्पेलिंग्स इन वर्ड्स में जो स्पेलिंग मिसिंग है उन्हें आपने लिखनी है विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होल्ड्स द सीपीयू कंप्यूटर में सीपी यू किस में होता है राइट नेम्स ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस किसी भी दो इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए

नाउ देर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने पर हम इनका यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड यूपीएस अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूपीएस की हेल्प से कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जब लाइट पावर कट हो जाती है जब घर में लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा वी वट वी हैव टू डू वी नीड टू वर्क ऑन कंप्यूटर वी नीड टू सेव अवर वर्क जो भी वर्क हमने किया है हमें उसे सेव करना होता है तो क्या होता है कि यूपीएस की हेल्प से कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है सो so, जस्ट कनेक्ट विद इट हमें इसे कंप्यूटर को यूपीएस से कनेक्ट करके रखना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसके बाद जब यूपीएस से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो हम अपना वर्क सेव करके फिर कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर लेते हैं सो दैट वी कैन प्रॉपरली शट डाउन विथ द हेल्प ऑफ यूपीएस यूपीएस से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसकी हेल्प से लाइट जाने पर भी पावर कट होने पर भी हम लोग अपना वर्क कंप्यूटर में ठीक से सेव करके कर लेते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर खराब नहीं होता उसकी फाइल्स करप्ट नहीं होती इज दैट क्लियर टू यू नाउ यह आपको समझ में आया लेट्स कम टू डिवाइस इट इज अ output डिवाइस प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है इसकी हेल्प से हम लोग जो भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं हम पेपर पर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं वट एवर वर्क वी हैव डन ऑन कंप्यूटर

और जो वर्क हमें मॉनिटर पर नजर आता है इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी और जो वर्क हमें कंप्यूटर पर मॉनिटर पर नजर आता है वी कॉल इट सॉफ्ट कॉपी इज क्लियर टू यू नाउ समझ में आया बच्चों लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इट इज अ हेडफोन वॉट इज दिस इट इज अ हेडफोन हेडफोन इज एन आउटपुट डिवाइस वी कैन लिसन ऑडियो

में लगा के वी कैन लिसन द साउंड वी कैन लिसन म्यूजिक और अदर काइंड ऑफ वॉइस वी हैव रिकॉर्डेड, जो अलग तरह की हमने कोई रिकॉर्ड कर रखी हो या म्यूजिक हो वो सब हम हेडफोन्स की हेल्प से सुन सकते हैं एंड वट इज द बेनिफिट ऑफ हेडफोन और हेडफोन का क्या बेनिफिट होता है कि नो बडी डिस्टर्ब म्यूजिक अगर हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं हेडफोन्स वियर करके तो इससे घर के बड़े डिस्टर्ब भी नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इसमें से आवाजें सुनाई नहीं देंगी इससे केवल सिंगल पर्सन ही सुन सकता है जो इसे वियर करता है सो इट इज अडफोन इज ए क्लियर टू यू नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दीज आर

स्पीकर्स की हेल्प से बहुत सारे लोग एक साथ म्यूजिक सुन सकते हैं जस्ट अटैच दीज थिंग्स विद द कंप्यूटर एंड यू कैन लिसन ऑडियो और इन को अपनी कंप्यूटर से अटैच करके हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं जो भी वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होती है वो सभी लोग सुन सकते हैं म्यूजिक Or any other kind of recorded voice, we can listen with the help of speakers. Is it clear to you now? Now, come to the next topic. It is a microphone. What is this? It is a microphone. Children, you can record your voice.

फर्स्टली अटैच द माइक्रोफोन विद द कंप्यूटर माइक्रोफोन को कंप्यूटर से अटैच करके जो भी कुछ हम इसमें बोलेंगे इट विल गेट रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर जो भी कुछ हम बोलेंगे वह कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा सो चिल्ड्रेन दिस वॉज योर चैप्टर नंबर फाइव अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो पार्ट कंप्यूटर में कभी कभी जरूरत पड़ने पर अटैच किए जाते हैं हम उन्हें अदर पार्ट्स कहते हैं बिकॉज बिना इन पार्ट्स के भी कंप्यूटर पर वर्क किया जा सकता है सो वन एवर वी रिक्वायर वी कैन अटैच चिल्ड्रन रिवाइज दिस चैप्टर एंड आई विल गिव द नेक्स्ट टेस्ट विद दिस चैप्टर ओके चिल्ड्रेन टेक केयर आउटसाइड एंड नाउ ड्रॉ अ Star over here. This is a star. Just click over here and draw a star. Let's make it big. Hmm. Is that clear to you? Looking better now. Now, draw a small rectangle. A chota sa rectangle draw karenge. न सी इट इज ए क्लियर टू यू दिखाई दे रहा है ना ये आपको इस तरह से नाउ वट वी हैव टू डू वी हैव टू फिल द कलर्स ऑन इट अब हम इसमें कलर्स फिल करेंगे लेट सेलेक्ट द कलर बकेट फर्स्टली कलर ब्रकेट सेलेक्ट करने पर दिस इज द कलर बकेट दिस इज द कलर बकेट कलर बकेट सेलेक्ट करने पर वट व्यू वट डू वी कॉल इट Fill with color option. What is this? Fill with color option. Okay. Now select the yellow color and fill it on the star. And then select the green color. Let's select the green color and then fill it on the trees. And then select. Brown color, or I have chosen the dark red cherry color. I have chosen the cherry color and I have filled it here. Now, children, you can see here it is a tree, Christmas tree. Is, is this looking good? Is this looking beautiful? You can decorate this, children, this Christmas tree by yourself. बच्चों अगर आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट भी कर सकते हैं एंड नाउ इट इज टेक्स्ट बॉक्स आई है टेक्स्ट बॉक्स दिस 'a' This is written here. इट इज अ text बॉक्स आई हैव clicked ओवर here. एंड आई विल मेक अ text बॉक्स और मैंने माउस की हेल्प से यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है नाउ आई एम गोइंग टू टाइप हेयर Merry Christmas, Merry Christmas children. If you If you want, you can draw it at home by yourself. बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा और अगर आप draw करना चाहते हैं, then draw it and send it to me. Merry Christmas children.